Hello friends, welcome back to YouTube channel. Today I will share you nursery English question paper 2. जिस तरह से मैंने नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर 1 शेयर किया था, बस उसी तरह से आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्वेश्चन पेपर 2। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो बच्चे की हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर शेयर किया है। अगर आपने उन सारे पेपर्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके ईजिली वो सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं नर्सरी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर 2 हाफ ईयरली एग्जाम। बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए ये क्वेश्चन पेपर यूजफुल रहेगा। तो मैंने ये 15 मार्क्स का सेट किया है, जिसमें मैंने रिटर्न 30 मार्क्स लिखे हैं और ऑरल जो होते हैं वो यहाँ पर मैंने 20 मार्क्स लिखे हैं। क्वेश्चन 1, राइट मिसिंग लेटर। इसमें सिंपली बच्चों को क्या करना है, ये सारे बलून्स है उसमें जो मिसिंग लेटर है वो यहाँ पे राइट इट करने हैं। नर्सरी क्लास के जो बच्चे होते हैं उसको ऐसे एच तक के या फिर एल तक के, एम तक के हाफ ही अल्फाबेट्स बच्चे को हाफ ईयरली एग्जाम्स में आते हैं। उसने स्कूल में लेटर्स सिखाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बच्चे का जो पेपर होता है वो सेट करते हैं। यहाँ पे ए लिखा है तो इस तरह से बी, सी लिखा है तो डी, ई इस तरह से एफ, जी एच इस तरह से आई, जे के एल। सिंपली बच्चे को यहाँ पे क्या करना है, लेटर्स लिखने हैं। इसके लिए बच्चे को यहाँ पे कितने मार्क्स मिलते हैं, 6 मार्क्स मिलते हैं, 6 अटेंड करने हैं और मार्क्स यहाँ पे 6 मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, मैच सेम लेटर्स। यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, जो सेम लेटर है वो मैच करना है, जिसके लिए बच्चे को यहाँ पे 7 मार्क्स मिलेंगे। सपोज ये ए है तो बच्चे को यहाँ पे बटरफ्लाई में ए दिखाई दे रहा है, वहाँ पे मैच करना है तो इस तरह से ए के साथ मैच करना है। उसके बाद बी है तो इस तरह से बी पे, सी है तो इस तरह से सी पे। सिंपली यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद ई है तो इस तरह से ई, एंड डी है तो इस तरह से डी पे, जी एंड एफ। सिंपली यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, मैच इट करना है। उसके बाद क्वेश्चन 3, सर्कल ऑल द 3 लेटर्स। जिसके लिए बच्चे को कितने मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे 4 मार्क्स। यहाँ पे मैंने जी लिखा है, आप बच्चे का जो भी लेटर्स है उसमें बच्चा ज़्यादा कंफ्यूज रहता है वो लेटर्स की आप इस तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जी है तो इस तरह से जो जितने भी जी दिखाई दे रहे वहाँ पर क्या करना है, सर्कल बनाना है इस तरह से जी, जिसके लिए बच्चे को यहाँ पे कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, सर्कल द करेक्ट अल्फाबेट्स। यहाँ पे बच्चे को कितने मार्क्स मिलते हैं, 3 अटेंड करने हैं और कितने मार्क्स मिलेंगे, 3। बच्चे को पिक्चर्स आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जो करेक्ट अल्फाबेट्स है वहाँ पे सर्कल बनाना है। ये बटरफ्लाई है तो बी फोर बटरफ्लाई, तो इस तरह से बी पे क्या करना है, सर्कल बनाना है। एफ फोर एप्पल, तो इस तरह से एफ पे सर्कल बनाना है। एफ फोर फिश, तो इस तरह से एफ पे क्या करना है, सर्कल बनाना है। सिंपल यहाँ पे जो करेक्ट अल्फाबेट्स है वहाँ पे सर्कल बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5, मैच द अल्फाबेट्स विथ सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई करने हैं सभी अल्फाबेट्स को, एंड देन उसका जो पिक्चर सामने उसका पिक्चर्स है उसको भी आइडेंटिफाई करके क्या करना है, उसका जो सेम ऑब्जेक्ट है वहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे भी बच्चे को 5 अटेंड करने हैं और इसके लिए भी बच्चे को कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। सपोज ये एप्पल है तो एप्पल के साथ एफ फोर एप्पल, तो इस तरह से एप्पल साथ क्या करना है, मैच करना है। एफ फोर फिश फ, तो इस तरह से एफ फोर फिश फ। अब जी एंड देन जी फोर ग्रैप्स ग। देखिए आप बच्चे को जब भी अल्फाबेट सिखाए तो प्लीज़ बच्चे को फोनिक्स के साथ ही सिखाना, ताकि बच्चा आगे जाके जो वर्ड्स है वो इजीली वो सारे रीड करना सीख जाए। उसके बाद एच, एच फोर हैट ह, तो इस तरह से हैट पे क्या करना है, मैच करना है। उसके बाद बी फोर बनाना ब, तो इस तरह से बी के साथ क्या करना है, मैच करना है। बस सिंपल यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, मैच इट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, कलर बी विथ येलो। सिंपल ये देखना है बच्चे को जहाँ पे भी बी दिखाई दे रहा है वहाँ पे कौन सा कलर का यूज करना है, येलो कलर का, एंड डी विथ ग्रीन कलर। जहाँ पे डी दिखाई दे रहा है वहाँ पे कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर, एंड सी विथ रेड कलर।
तो जहाँ पे सी दिखाई दे रहा है वहाँ पे कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है। सिंपली बच्चे को कॉर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, कलर्स करने हैं। बस ये हमारा हो गया बच्चे का जो रिटन का पोर्शन है वो। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों की जो ओरल को पोर्शन की। बच्चे को जो 20 मार्क्स का ओरल अटेंड करने होते हैं उसमें बच्चे को किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, तो फर्स्ट देखते हैं ओरल 20 मार्क्स, जिसमें बच्चे को राइम्स, जो शॉर्ट जो राइम्स होती है लाइक जॉनी जॉनी यस पापा, इस तरह की जो छोटी छोटी 2 या 3 लाइन्स की जो राइम्स होती है वो भी बच्चे को यहाँ पे ओरल में जस्ट पूछी जाएगी। उसके बाद लेटर ए टू एल तक के जितने भी लेटर्स सिखाए जाते हैं वो बच्चे को सिंपली यहाँ पे ओरल में बोलने होते हैं। उसके बाद रिकॉग्नाइज लेटर, बच्चे को पहचानना भी होता है कि इसको हम ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं, सिंपली यहाँ पे बच्चे को रिकॉग्नाइज लेटर करने हैं। उसके बाद पिक्चर फर्स्ट लेटर, सपोज बच्चे को बनाना दिखाएंगे तो बच्चे को बोलेंगे कि बनाना के लिए कौन सा लेटर आएगा, बी आएगा। एप्पल है तो एप्पल के लिए फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा, ए, तो वो भी बच्चे को यहाँ पे ओरल में पूछे जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर मदर नेम, इस तरह के जो बेसिक कम्युनिकेशन होता है, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे बच्चे को पूछे जाते हैं। बस इस तरह से बच्चे का जो ओरल है वो सेट करते हैं। वो कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का। ओरल के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्कूल्स के अकॉर्डिंग होता है, कई स्कूल में 10 मार्क्स का सेट करते हैं और कई स्कूल में 20 मार्क्स का। तो यहाँ पे मैंने कितने मार्क्स का सेट किया है, 20 मार्क्स का। तो आप स्कूल्स के जितने भी मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप पेपर सेट कर सकते हैं। बस इन पेपर्स की मदद से आप अभी से ही स्टार्ट करवा सकते हैं बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स की प्रिपरेशन। अगर आपको इन सारी वर्कशीट की पीडीएफ फाइल चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो यूजफुल लगा हो। यूजफुल लगा हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।